थी। तो लड़का कहता है कि मारे घने भी आरी जॉब करे, मारी घनी बड़ी से जमींदारी, मिस्टेक तू कर गी रे बारी। तो लड़की फिर जवाब देती है कि तेरी हवा बनाती ठाडी रे, दूसर में लाती गाडी रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारे हिंद न्यूज यूट्यूब चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं नजफगढ़ में। जी हां, और आपका परिचय करा रहा हूं एक ऐसे युवा से जिसने हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को अपने खून से प्राप्त किया है, संस्कारों से सीखा है। हमारे साथ आज के खास मेहमान है युवा तरुण मोर। जी हाँ, तरुण मोर, तरुण मोर जी स्वागत है आपका समाचार क्यारे हिंद न्यूज यूट्यूब चैनल में। नमस्कार जी, और मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार, और समाचार कैरी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपसे मिलने का मौका मिला और आप साथ हो तो बस जी धन्यवाद। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि तरुण मोर जी हाँ एक ऐसा युवा है जिसने मॉडलिंग के साथ साथ अभिनय कला में भी अपना कदम रखा है। दूसरा इनका गाना रिलीज होने वाला है, उसी संदर्भ में आज हम यहाँ नजफगढ़ पहुंचे हैं। जी हाँ, बात करेंगे तरुण मोर जी से। तरुण जी, क्या गाने के टाइटल रहेंगे? गाने का टाइटल है शादी कैंसल। और जैसे कि अब शादियों का माहौल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे दो दिन पहले हम एक टाइटल निकाल रहे हैं शादी कैंसल। तो आप इसमें देखना कि लड़की शादी के लिए मना करती है और कैसे हाँ बोलती है लास्ट में, तो ये आपको गाना देख के ही पता लगेगा। और 6 नवम्बर को मोर हरियाणवी यूट्यूब चैनल पे आप गाना देख सकते हैं। और इस गाने को लिखा है अजय हुड्डा जी ने, जिनके गाने आज तक सुपर डुपर हिट रहे थे। लास्ट ईयर उनका बहु काले की खूब चला है और डीजे पे सुपर हिट रहते हैं वो हर साल। और इसको गाया है संदीप सुरीला जी और रुचिका जी ने, और इसको म्यूजिक दिया है जीआर म्यूजिक पानीपत से, और इसकी वीडियो की है विकास सिंह रोया जी ने। और कल एक दो दिन के अंदर आप इसका लिंक यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मोर हरियाणवी यूट्यूब चैनल पे शादी कैंसिल के नाम से। जी अच्छा तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूं कि इस अभिनय और जो क्लास संस्कृति की बात है उसमें आपकी रुचि कैसे लगी? देखो, हरियाणवी एक कुछ भी लिखते हैं या कोई भी कुछ करता है तो उसमें एक संस्कृति जरूर होती है। और जब ड्यूट सॉन्ग की बात आती है तो उसमें एक नोक झोंक दिखाई जाती है, एक दायरे के अंदर लिखे जाते हैं कि समाज उनको देख सके, मनोरंजन कर सके। और जितना लोग गाने सुन के अपने आप को एंटरटेन करते हैं उससे एक उनके अंदर एक एनर्जी आती है, ताकि वो अपनी लाइफ का स्ट्रेस सब कुछ दूर करके अब शादियों में, फंक्शंस में, मैरिज पार्टी, जितने भी फंक्शंस होते हैं अपने आप को इंजॉय कर सके। और सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो गाने होते हैं, और हरियाणवी गाने आज के टाइम पे आप देख सकते हो पूरे इंडिया में चल रहे हैं। तो बस सबसे यही है कि एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए और एक स्ट्रेस रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, और संस्कृति को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। जी हाँ, और आपने देखा कि मोर म्यूजिक कंपनी, जी हाँ, ना केवल हरियाणा प्रदेश अपितु साथ लगते दिल्ली प्रदेश ही नहीं, लगभग उत्तर भारत में मोर म्यूजिक कंपनी के कार्यक्रमों की खासी चर्चा रहती है। जिस तरह से हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी बोली को और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, आगे करने के लिए विभिन्न कलाकार इस मंच से पैदा हुए हैं। जी हाँ, मोर म्यूजिक कंपनी के सौजन्य से अनेक ऐसे कलाकार जिनकी प्रतिभा का जानने का हमें अवसर मिला है, और उनके सुपुत्र है राजेश मोर के सुपुत्र है तरुण मोर। हमने बात की है तरुण मोर से। तरुण, सबसे पहले आपका कौन सा गाना आया था? सबसे पहले मेरा गाना आया था लाख रुपया के नाम से 2018 में। जी, और उसके बाद मैंने देखा कि क्या क्या मुझे और सुधार करना चाहिए, और अपने आप को महसूस किया कि भाई मुझे ये चीजें और अच्छे से करनी चाहिए। और उन सब पे मैंने काम करके एक बहुत ही अच्छी चीज, और जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई, एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर हरियाणवी एक वीडियो हुई है शूट, अपनी तरफ से मैंने पूरी अच्छा करने की कोशिश की है। बाकी आप देखना यूट्यूब पे, और उसके बाद कमेंट करके बताना कि कैसा हुआ। और इस साल एक साल के बाद पूरी तैयारियां के साथ, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ भाई, हरियाणा में एक अच्छे लेवल का काम हुआ है, और एक पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये इस साल गाना निकाला है। जी हाँ, हरियाणवी संस्कृति अब ना केवल हरियाणा प्रदेश की सीमाओं में है, बल्कि भारत देश की सीमाओं से भी पार, सात समुद्र पार की मैं बात करूं, चाहे मैं ललित शौकीन की बात करूं, गजेंद्र फोगाट की बात करूं, और आज उन्हीं के कदमों पर चलते हुए तरुण मोर युवा है। जी हाँ, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी है, मृदुभाषी भी है, मिलनसार भी है, नजफगढ़ क्षेत्र में रहते हैं और अपनी हरियाणवी संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं। लगातार दूसरा प्रयास है इनका, दूसरा जो गाना रिलीज होने जा रहा है 6 नवंबर को। तो दोस्तों,
दोस्तों ध्यान रखना 6 नवंबर को। एक सवाल और है तरुण जी, आगे क्या योजनाएं हैं? जिस तरह से मैंने अभी भी उदाहरण दिया है, ललित शौकीन है, गजेंद्र फोगाट जी हैं, वो अमेरिका में भी कार्यक्रम करते हैं, इंग्लैंड में भी कार्यक्रम हुए हैं, हरियाणवी संस्कृति को बड़े उच्च स्तर तक वो लेके गए हैं। महावीर गुड्डू की मैं बात करूं तो जो कला है, जो अभिनय है, जो गाना है, वो आपके खून में है। आपके पिता तमाम उम्र इन चीजों से जुड़े रहे हैं और उन्होंने हरियाणवी संस्कृतियों को रागणियों के माध्यम से आम जन तक सहजता और सुलभता के साथ उपलब्ध कराया है। आपकी क्या योजना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हरियाणवी संस्कृति को ले जाने के लिए? आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं? मेरा तो एक ही सबसे बड़ा टारगेट है कि जो भी करो, एक अच्छा काम करो, चाहे थोड़ा कम करो, 4 की बजाय 2 गाने रिलीज करो, लेकिन जितने हो वो अच्छे हो और हरियाणा को एक अच्छे लेवल पे वो रिप्रेजेंट करे, एक ऑडियो के वाइज भी, वीडियो के वाइज भी, एक्ट वाइज भी, डायलॉग डिलीवरी से लेके उनकी ऑडियो और बाकी जितने भी गाने आते हैं। अभी ये गाना रिलीज नहीं हुआ है लेकिन मैं कल जा रहा था एक फंक्शन के वहां से, तो मेरे को वहां चलता सुनाई दे, क्योंकि हमने ऑडियो रिलीज कर दी थी इसकी 1 नवंबर को हरियाणा डे पे। हाँ बिल्कुल, हरियाणा डे पे हमने इसकी ऑडियो रिलीज कर दी थी, तो काफी जगह मेरे को ये सुनाई देता है। डीजे रिमिक्स बना बना के लोगों ने यूट्यूब पे भी पहले ही काफी वीडियोस डाल दिए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके रिमिक्स, इतनी सारी वीडियोस है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, जो भी सुनता है वही इसका रिमिक्स बना के यूट्यूब पे डाल रहा है, तो हर जगह इसके इतने चर्चे सुने मैंने, तो एक अच्छी चीज को लोगों ने इतना पसंद किया है। और बाकी वीडियो देख के आप आइडिया लगाएंगे, वीडियो देखेंगे और दो बोल हम चाहेंगे कि वो गाने की शुरुआत किस तरह से है जो 6 तारीख को आपका गाना रिलीज हो रहा है। बोल इस तरह के हैं जैसे कि टाइटल से आपको पता लग रहा है, लड़के की शादी कैंसिल हो गई है, और शादी कैंसिल होती है तो लड़की ने शादी कैंसिल कर दी, तो लड़का कहता है कि मारे घने भी आरी जॉब करे, मारी घनी बड़ी से जमींदारी, मिस्टेक तू कर गी रे बारी। तो लड़की फिर जवाब देती है कि तेरी हवा बनाती ठाडी रे, दूसर में लाती गाड़ी रे। तो फिर लड़का यही बोलता है कि मिस्टेक तू कर गी रे भारी। तो फिर वो लड़की उसको बोलती है कि तू कोई जॉब नहीं करता तो मैं इसलिए तुझसे शादी नहीं कर सकती। तो लड़का उसको जवाब देता है कि भाई जॉब का कोई मैटर नहीं है। एक लाइन है जो मेरे को बहुत अच्छी भी लगती है, काफी लोगों ने कमेंट भी करा है, जब हम कल लाइव आए हुए थे फेसबुक पे अपने गाने को शेयर के लिए, तो लोगों ने काफी कमेंट करा कि ये लाइन हमें बहुत अच्छी लगती है, मारे घने भी आ रही जॉब करे, हमारी बड़ी से जमींदारी। और एक लाइन के लिए काफी कमेंट आए कि क्यों जॉब का ठारी मैटर है, मारा ब्योत गणाए बेटर है। तो वैसे भी सरकार आजकल जॉब कम निकाल रही है, तो सबको अपना बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए और रोजगार बढ़ाना चाहिए जिससे सरकार की भी मदद हो, क्योंकि इतनी जनसंख्या सरकार भी कहां तक जॉब निकालेगी जी। और देखिए तरुण से हमने बात की है, जी हाँ, एक और विषय जो हमारे सामने आया है वो विषय बेरोजगारी को लेकर के भी है और गाने के बोल से वो सिद्ध भी होता है। जी हाँ, आज हरियाणा के युवा केवल सरकारी नौकरियों पर आधारित नहीं है, उनकी प्रतिभा है, चाहे मैं खिलाड़ियों की बात करूं, चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात करूं, साइना नेहवाल की बात करूं, या मैं योगेश्वर दत्त की बात करूं, बजरंग पुनिया की बात करूं, और हरियाणवी संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी हरियाणा के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जो डंका बजवाया है, भविष्य में तरुण मोर जैसे युवा तमाम उन हरियाणा के युवाओं के एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जिस पर हरियाणा के और युवा भी चलकर के अपना भविष्य बना सकते हैं, म्यूजिक कंपनी से जुड़ सकते हैं, गाना बना सकते हैं, एडिटिंग एक्टिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और तरुण को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं और बधाइयां, और हम चाहेंगे कि इस तरह से अन्य युवक भी हरियाणा के आगे आएं और हरियाणवी संस्कृति को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएं।